नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं खुशी है अरण हाजिर हूँ आप सभी के सामने बुंदेलखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। अब खबर तालबेट से, जहां L1 हॉस्पिटल का वीडियो हो रहा है वायरल। कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वयं कर रहे हैं अपने अंदर की हकीकत को बयां। मरीजों का कहना है कि मरीजों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, समय पर खाना भी नहीं मिल रहा है। भले ही योगी सरकार कोरोना मरीजों पर भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, परंतु मरीजों की स्थिति अभी भी दयनीय है। देखिए हमारी रिपोर्ट में। ललितपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए L1 हॉस्पिटल राजकीय पॉलिटेक्निक तालबेट में स्थापित किया गया, लेकिन ललितपुर जनपद के इस L1 हॉस्पिटल तालबेट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हकीकत तो कुछ अलग ही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पीने का पानी बच्चों को भी नसीब नहीं हो पा रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। यदि कोई भी मरीज इस बारे में बात करता है तो सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं एवं FIR दर्ज कराने की बात करते हैं। क्या इसलिए लोगों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पर इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, जहां पीने का पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा, समय से खाने की कोई व्यवस्था नहीं है? आखिर ऐसी व्यवस्था किस काम की जहां मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? वहीं जिला अधिकारी योगेंद्र कुमार शुक्ल का कहना है कि SDM के द्वारा जांच कराने पर इस प्रकार की वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी पुष्टि नहीं होती, लेकिन वहां पर भर्ती मरीजों के माध्यम से वहां की हकीकत बयां कर रहे हैं और प्रशासन इसे छुपाने का कार्य कर रहा है। तालबेट से सौरभ जैन की रिपोर्ट। इस समय मौजूद है तालबेट के L1 अस्पताल में, जहां पर कोरोना संक्रमण मरीजों को रोका गया। यहां पर लगभग 70 से 60 मरीज हैं। ये देखिए आप, सारे बच्चे इनमें बहुत छोटे छोटे हैं। कल से इन्हें पानी पीने को नहीं मिला है, वाटर कूलर बंद है। यहाँ के कर्मचारी कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सफाई कर्मी हूँ। डॉक्टर कहते हैं मैं इंचार्ज नहीं हूँ, इंचार्ज कहते हैं मैं CMO नहीं हूँ, CMO कहते हैं मैं DM नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर प्यास से मर रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? इसको आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आवाज 4 दिन से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दब गया है, मुझे पीने को कल से पानी नहीं मिला है। ये बच्चे, बेटा पानी कब से नहीं मिला? कल से। आपको पानी कब से नहीं मिला? किसको पानी नहीं मिला? यहाँ पे वाटर कूलर बंद है, किसी को भी कल से पानी नहीं मिला है। ये सारे लोग हमारे हिस्से का भी पानी पी रहे हैं। बाहर जाते हैं तो कहते हैं FIR लिख देंगे, आवाज उठाओगे तो कहते हैं हम झांसी रिफर कर देंगे, गलत दवा दे देंगे, मार देंगे। चलो कब तक मारोगे, कब तक मारोगे? अभी आवाज जब तक निकलती जब तक आवाज उठाएंगे। DM साहब से 5 बार शिकायत और CMO साहब से पल पल शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे छोटे छोटे प्यास से बिलख रहे हैं। योगी सरकार, ये जंगल राज मिटाओ, बंद करो। क्यों अत्याचार? ये कोरोना से पेशेंट मर रहे हैं, ऐसे ही पेशेंट मर रहे हैं कोरोना से। ये बेचारे भूख प्यास से ये बिलख रहे, 4-4 साल 2-2 साल के बच्चे हैं, 2-2 दिन से इन्हें पानी नहीं मिल रहा। मेरे हिस्से का पानी पी रहे हो, इन बच्चों के हिस्से का पानी क्यों पी रहे हो? भ्रष्टाचारियों, जंगल राज खत्म करो। ये साले प्रशासन के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, इन पे कार्रवाई जरूर हो। सबसे पहले मैं समस्त जनपद वासियों को इसकी बधाई देता हूं कि इस जनपद में सर्विलांस का और जागरूकता कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ और हमारे जनपद में प्रत्येक निगरानी समितियां, चाहे नगर क्षेत्र की हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही और लगातार जो भी संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनका तुरंत टेस्टिंग होकर के और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक आज तालबेट पॉलिटेक्निक में जो हमारा हॉस्पिटल L1 संचालित है, उसके संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि SDM तालबेट को भेज करके सभी जानकारी दी गई है। मेरे द्वारा संबंधित अस्पताल में और वहाँ के जो मरीज हैं उनसे बात होती रहती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
और SDM तालबेट द्वारा बताया गया है कि जो शिकायत मिली है वो वहाँ जानकारी करने पर और वहाँ पर उसको देखने पर जानकारी अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी की है, उसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर भी SDM लगातार CSC तालबेट और पॉलिटेक्निक दोनों का सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। इसके साथ ही मैं समस्त जनपदवासियों से अपील और कर रहा हूँ कि आप हमारे पास एंटीजन टेस्ट, जिसमें कि तुरंत उसका रिजल्ट करीब 12 घंटे के बाद आ जाता है, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जिसमें कि संदिग्ध मरीजों की एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। समस्त जनपदवासियों से अपील है, जहाँ भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कठिनाई, इस तरीके का कोई संदिग्ध मरीज आए तो तुरंत जो है CMO को, PDM फाइनेंस को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिला सूचना अधिकारी को या मुझे फ़ोन करके तुरंत अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि संक्रमण को वहीं पे रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।